नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को रामनवमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सचमुच आज का दिवस हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, हमें प्रेरित करता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चलें। और एक विश्वास भी हमारे अंतर मन में जागृत करता है कि बुराई कितना भी व्यापक क्यों ना हो, कितना भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई की ही जीत होती है। अंधेरा कितना ही विशाल क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा दीपक उसे परास्त करने की शक्ति रखता है। तो आज रामनवमी में न केवल हम अपने अंदर देखें कि कहीं कोई विकृति रूपी रावण तो नहीं है, जैसे रावण विकृति का ही प्रतीक है, हमारे अंतर मन में वो विकृति ना हो, लेकिन राम का जो दीप है वो प्रज्वलित हो, अच्छाई का दीप है वो प्रज्वलित हो। सचमुच सही मायनों में तभी तो ये रामनवमी मनाना होगा हमारा। आइए सुंदर भाव के साथ और शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। मेरी मंजिल मेरे करीब है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। मुझे गरूर नहीं मेरे हौसले पर, मुझे पूरा विश्वास है जीवन की हर उम्मीद पर। हम अपने जीवन की मंजिल पर जब आगे बढ़ते हैं तो उस समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी बात का गरूर, अहम या अहंकार, ईगो ना आ जाए, लेकिन इस बात का हमें हर पल ध्यान रहे, एहसास रहे कि मंजिल तो मेरे बहुत करीब है। और जब हम मंजिल को करीब से देखते हैं तो उस समय हमें उसके नज़दीक रहने का जो हौसला है, जो हिम्मत है, उसे बनाए रखना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, आज रामनवमी के साथ साथ वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी है। एक ऐसा पैथ जो सस्ता भी है, सुरक्षित भी है, और जिसमें हमें मीठी मीठी गोलियां खाने को मिलती हैं, तो कोई तकलीफ भी नहीं होती। और ये माना जाता है कि ये रोगों को जड़ों से उखाड़ फेंकता है। तो इसीलिए सारे संसार में होम्योपैथ डे इस रूप में भी मनाया जाता है कि इसके प्रति लोगों में सुंदर जागरूकता लाई जाए कि ये आपके सभी रोगों का निदान है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को, क्योंकि 10 अप्रैल को होता है जो हमारे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जो उसके फाउंडर रहे, उनका बर्थडे होता है, उनका जन्मदिन होता है। दोस्तों, बेसिकली जो होम्योपैथी है एक सिस्टम है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है। आप सभी जानते होंगे, आपने भी कभी होम्योपैथी की दवाइयाँ खाई होंगी, स्पेशली एलर्जीज़ में, अस्थमा में, क्रॉनिक इलनेसेस में, स्पेशली जो है साइकोसोमेटिक इलनेसेस होती हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें ये उसमें अच्छा पाया जाता है। और इसका सिस्टम क्या है, बेसिकली इसका सिद्धांत क्या है कि एक तरह सिमेट्री है, अर्थात जो आपके सिम्टम्स हैं, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, ड्रग्स को, जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, नेचुरल केमिकल्स होते हैं, उनको डाइल्यूट करके, उसकी पोटेंसिस को बहुत डाइल्यूट करके, उसको फिर उस दवाई के रूप में उस सिम्टम से मैच किया जाता है और उसके उसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथी सिस्टम बहुत सस्ता भी है, अच्छा भी है। तो अगर आपको कुछ ऐसी क्रॉनिक इलनेसेस हैं तो ज़रूर आप होम्योपैथी के डॉक्टर, अच्छे होम्योपैथिक एक्सपर्ट के पास जाएं, और ये अवेयरनेस हम फैला सकते हैं कुछ क्रॉनिक इलनेसेस में, जैसे मैंने बताया, उसमें होम्योपैथी को हम एक अच्छी विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स एक मेडिसिन थेरेपी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक इलनेस है, साइकोटिक इलनेस है, सीवियर डिप्रेशन है,
या कोई इमरजेंसी है उस समय आप जरूर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के पास जाएं। तो दोस्तों इस दिन के लिए आप आज के दिन ये अवेयरनेस क्रिएट करें अपने समाज में कि होम्योपैथी भी एक अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन है, कुछ बीमारियों में बहुत अच्छा मदद करता है। तो भले ही होम्योपैथ धीरे धीरे असर करता हो लेकिन असर ज़रूर करता है और जीत प्राप्त होती है। और सचमुच ये हमारा नहीं लेकिन लाखों लोगों का अनुभव है। और ऐसा ही एक सुंदर अनुभव विशिष्ट जन की बातें विशेष में लेकर आ रही हैं डॉक्टर सरोज सोनी जी। आप खुद भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं, न केवल आप लोगों का इलाज करती हैं लेकिन इस बात पर भी विश्वास रखती हैं, जो होम्योपैथ का आधार भी है, कि आप व्यक्ति के मन विचार और आत्मा से जुड़कर यदि इलाज करते हैं तो वो इलाज सचमुच सार्थक होता है। ऐसा ही सुंदर अनुभव आइए सुनते हैं डॉक्टर सरोज सोनी जी से। जून 2016 विश्व योग दिवस के दिन मैं ज्ञान में आई। फर्स्ट टाइम जी। मैं आरोग्य भारती में महिला प्रभारी हूँ और योग के द्वारा महिलाओं में उनका फिजिकल ठीक होना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक करते हैं। महिलाओं के लिए इसलिए मैं कार्य करती हूँ कि महिला अपने परिवार को ध्यान देती है, सबको देती है पर अपने ऊपर नहीं देती है। तो मेरा एक संकल्प रहा कि नहीं, मुझे उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। योग के माध्यम से हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लें और 85% तो बीमारियां ऐसी क्योर हो जाती है और जो 15% बचा तो डॉक्टर के पास जाओ। मधुमेह मुक्त योग का जो एस व्यासा बेंगलुरु के तत्वावधान में आरोग्य भारती करती है, अब काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक सप्ताह शिविर करते हैं, फर्स्ट टाइम किसी का 450 आया तो एक सप्ताह के बाद उसका डेफिनेट है कि वो 150 से 160 आ जाता है। तो उसमें मेडिटेशन है, एक घंटा मेडिटेशन कराते हैं। तो मेडिटेशन का क्या रूप होता है, हमें किस तरह से मेडिटेशन कराते हैं, आप किस तरह से डिफाइन? जैसे यहाँ पे पता जनरली और योगा में जैसे आंख बंद करके विजुलाइज करना है, आंख बंद करके वो मेडिटेशन। पर मैं सोची कि अगर इस मेडिटेशन को सीखा जाए, राजयोगा मेडिटेशन बेस्ट। अच्छा, बेस्ट क्यों लगता है वो आपको, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आँख खोल के? मैंने सबसे सुना था कि राजयोगा मेडिटेशन तो नंबर वन का है। मेडिटेशन 7 डे कोर्स की मैं 2nd डे से ही मेडिटेशन करना चालू कर दी, क्योंकि मेडिटेशन करना, विजुलाइज करना मुझे आता था। मैं अनुभव शेयर करूंगी कि मैं अपने यहाँ जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका 450 उनका था और जब एंड में हमने उनका किया तो 150 पे आया। हमारे शिविर से निकले प्रतिभागी इतने हैप्पी हैं कि जो पैसा बर्बाद होता था वो पैसा बचत और साथ में उनका परिवार कितना हैप्पी हो गया। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दो पंक्तियां कही हैं मित्रों आज के स्पिरिचुअल इंडिया पर, उसी पर सुंदर प्रकाश कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। मतलब चार राम की व्याख्या की गई है आज के स्पिरिचुअल इंडिया में। आइए जानते हैं कि ये चार राम क्या है। रामनवमी श्री राम के आध्यात्मिक रहस्यों में गोता लगाने का एक और अवसर है। राम के दो अलग अलग पहलू हैं। एक राम है आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और एक आदर्श इंसान। राम का एक और बड़ा पहलू है, वह है सर्वोच्च भगवान परमात्मा। अयोध्या के राजा राम करुणा, सहानुभूति, मानवीय मूल्यों और ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता था, जो उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। उन्होंने एक आदर्श इंसान की मिसाल कायम की। उन्होंने दुनिया को अपने माता पिता के आदर्शों के लिए खड़े होने का सबक दिया। वे अपने पिता की बात मानने और उनकी गरिमा का सम्मान करने के लिए 14 साल तक जंगल में रहे। उन्होंने हमें अपनी माताओं से
बिना शर्त प्यार करना और उनका सम्मान करना सिखाया। वे एक आदर्श भाई के भी प्रतीक थे, जो हर परिस्थिति में अपने भाई और बहनों के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने महान बलिदान का एक उदाहरण स्थापित किया जब उन्होंने अपने लोगों के बड़े हितों के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया। आइए अब हम असली राम के रहस्यों को देखें। राम का शाब्दिक अर्थ है वह जो आपको खुश कर सकता है। एक ही राम है जो सबको सुखी कर सकते हैं, वह है स्वयं निराकार परमात्मा, जिन्हें अयोनिज भी कहते हैं, जो किसी मानव माँ से पैदा नहीं हुए हैं। ये राम है जो हमें वास्तविक रावण यानी प्रत्येक मानव आत्मा के अंदर के 5 विकारों को मारने में मदद करते हैं। रूप में वे एक प्रकाश के बिंदु है। वे कभी भी मानव जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन कलयुग के अंत में शरीर में अवतार लेते हैं, केवल पृथ्वी पर सतीव बनाने के उद्देश्य से। अगर हम मानव आत्माएं आत्मभिमानी बनकर उन्हें लगातार याद करेंगे तो हम हमेशा के लिए आनंद से भर जाएंगे। आइए हम आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को जानें और एक आंतरिक राम नवमी मनाएं, जहां हम अपने अंदर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं। मित्रों, कहते हैं जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और दूसरे दिन आपके खिलाफ। जिस दिन जिंदगी हक में है उस दिन गुरूर ना करें, और जिस दिन खिलाफ है उस दिन सब्र ज़रूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है जीवन की, जो सीख ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान करती हैं। और ये जन जन को प्रदान की जाने वाली सुंदर सीख और शिक्षा हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हरियाणा के ज्ञान मानसरोवर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पानीपत के 500 से अधिक भाई बहनों ने भाग लिया। सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए इसराना के विधायक भ्राता बलबीर गवालरा, पीजीआई रोहतक की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण बाला एवं पीजीआई रोहतक के पूर्व दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश चंद्र नरूला मुख्य रूप से पधारे। ज्ञान मानसरोवर पानीपत के निर्देशक भारत भूषण जी ने सभी अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर विधिवत तरीके से इस स्वास्थ्य जागृति सम्मेलन का उद्घाटन किया। डॉक्टर किरण बाला ने कहा कि एफ मतलब फेस, चेहरे पे टेढ़ापन आ जाता है। अगर आप व्यक्ति को स्माइल करने के लिए बोलें तो चेहरा एक तरफ से नीचे हो जाता है, फेशियल एसिमेट्री बोलते हैं। ये भी ब्रेन अटैक का एक लक्षण है। भारत भूषण जी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंदर से ईमानदार जो व्यक्ति दुरंगा होता है ना, अंदर कुछ बाहर कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, उसकी फिर हेल्थ बिगड़ेगी, उसमें सारे विकार आ जाएंगे। अगर आप सच्चे बच्चे हैं तो आप सब विकारों से मुक्त रहे, ऑनेस्ट। ज्ञान मानसरोवर के सामने 6 एकड़ बीके कॉलोनी का शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर पंजाब की जोन इंचार्ज राजयोगिनी प्रेम बहन एवं पानीपत की सर्किल इंचार्ज राजयोगिनी सरला बहन ने भी अपने कर कमरों से ईट रखकर बीके कॉलोनी का शिलान्यास किया। रावण महाज्ञानी था, महाविद्वान था, बहुत शक्ति संपन्न था और उसका साम्राज्य आप जानते हैं कितना व्यापक था। सोने की लंका थी, क्या किसी प्रकार का अभाव था? बस एक बात जो उसे ले डूबी वो ये, उनका अहम, उनका जिद और अपने शुभ चिंतकों की बात ना मानना। हमें ये देखना है कि हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन यदि ये छोटी छोटी बातें, खामियां जीवन में हैं तो फिर पतन होता है, अंत होता है। हम ये ना करते हुए श्री राम की तरह अपने जीवन में सुंदर चरित्र को, सुंदर बातों को, सुंदर मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते चलें तो सारा संसार जल्द से जल्द राम राज्य में तब्दील हो जाएगा। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और मुझे लगता है यही सही अर्थों में रामनवमी मनाना होगा। एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के